नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज चैनल। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति आनंदपुरी की लैम्स मुंद्री के नवनिर्वाचित अध्यक्ष खातूराम बरजोर से आरपीडी न्यूज टीम ने लैम्स से संबंधित विशेष बातचीत की। बातचीत में श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि लैम्स में किसानों को खाद बीज की भारी किल्लत आती है। सरकार से हमारी मांग रहेगी कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। तो आइए जानते हैं विशेष बातचीत में बिरबल कड़वा के साथ अध्यक्ष श्रीमान खातूराम बरजोर के विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा, और आज हम पहुंचे हैं मुंद्री के जो नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं, निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं खातूराम जी, उनसे होने जा रहे हैं रूबरू, और उनसे करते हैं बात कि यहाँ अगर यहाँ लैम्स के अंदर किस प्रकार की सुविधाएं हैं और यहाँ आगे किसानों को क्या सुविधाएं चाहिए, तो करते हैं बातचीत। सर नमस्कार, खातूराम जी सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आप। तो अध्यक्ष महोदय, आप गांव के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया, किसानों ने, अब आप अध्यक्ष पद पे विराजमान हैं, तो किसानों के लिए आप क्या करवाएंगे? सर किसानों के लिए सबसे पहले जो लैम्प्स होता है जी, तो लैम्प्स सभी कार्य क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें आती हैं वो किसान लैम्प पे आश्रित रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और खाद बीज और ऋण मुहैया कराना, ये हमारा लैम्प्स का काम है। तो खाद बीज के लिए जैसे गत ये वर्ष अभी जो चल रहा है, इसमें क्या पता सरकार के सामने कोई समस्याएं आई या समय पे बांसवाड़ा जिले में जो जितने भी लैम्प्स हैं उसमें करीब करीब 30% लैम्पों के पास खाद पहुंचा और अन्य लैम्प्स जो वंचित रह गई, इनके लिए हम सभी बांसवाड़ा जिले के जो चेयरमैन हैं मिल करके हमारे बैंक CCB बांसवाड़ा, वो हमारा बोर्ड का कार्यकारिणी का गठन होगा, उसमें हमारा अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति हम चुनेंगे और सरकार के सामने जो हमारा प्रतिनिधि रहेगा जिले का प्रशासनिक अधिकारी एवं पदासीन अधिकारी जो हैं वो मिलके हमारी जनता की, किसानों की सुविधा सुलभ कराएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि हम अपना नेता चुनेंगे उस हिसाब से सरकार क्या क्या मांग रखेंगे। इसके अलावा जैसे लैम्प्स के अंदर आपने जैसे कहा कि खाद की उपलब्धता होती, क्या मानते हो? वैसे कहने में तो लैम्प से किसानों का मंदिर है, लेकिन जब किसान की फसल का बिल्कुल वक्त होता है कि अब खाद की आवश्यकता है, तो उस वक्त लैम्पसों में खाद नहीं मिलता, जबकि प्राइवेट डीलरों में वहाँ कालाबाजारी होती है, उसको लेके क्या कहेंगे? इसके लिए जो लैम्पों के अंदर न खाद आ करके जो प्राइवेट डीलर्स होते हैं तो प्राइवेट डीलर को माल उपलब्ध करवा देते हैं और लैम्पों के माध्यम से कुछ ध्यान कम रहता है। वह जहाँ थोक भंडार जो होता है खाद का, वहाँ एजेंट लोग वगैरह रहते हैं, तो मिल मिला के प्राइवेट डीलर जो होते हैं इनको खाद पहले ही उपलब्ध करवा देते हैं। कोई भी चीज़ हो, चाहे DAP हो कि यूरिया हो, ऐसे चीज़ें पहले उपलब्ध करवा देते हैं। और लैम्पों के पास निर्धारित काम जो होता है, जो निर्धारित मूल्य होता है, इन मूल्य के आधार पर ही लैम्प को देना है। और प्राइवेट जो डीलर होते हैं वो कुछ दाम बढ़ा के काश्तकार को काला बाजारी होती है उपलब्ध करवाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए जो अधिकारी जो बैठे हैं जहाँ जहाँ उच्च अधिकारी उनको ध्यान आकर्षित करना चाहिए और किसानों को समस्या हल करने का निर्णय लेना चाहिए। आप रेगुलर दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष हैं, किसान जितना लोन चाहते हैं उसके अनुपात में किसान को लोन नहीं मिलता और वो बैंकों के चक्कर निकालने को मजबूर आ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए जो 5 साल के लिए साख सीमाएं बनती हैं तो ये जो आगामी साख सीमाएं थी वो बहुत कम थी, तो किसानों को कम लिमिट में पैसा मिलता था। उसमें हमारा लक्ष्य ये रहेगा
कि पूरे जिले के अंदर जो काश्तकार हैं, बड़े बड़े काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार हैं, जैसे लघु, वरहत और सीमांत, तीन प्रकार के काश्तकार होते हैं, तो उनके जो लिमिट जमीन के आधार पर जो सरकार ने तय कर रखी थी वो तय तो है, लेकिन उसमें ऋण के बारे में कटौती कर दी, तो कम परसेंट में ऋण दिया जा रहा है। तो काश्तकारों को जैसे प्राइवेट बैंकों से लोन लेना, अन्य बैंकों से लोन लेना, इसके बाद में बनिए व्यापारियों से लोन लेकर के ने काम करना, तो काश्तकारों को बहुत महंगा पड़ता है। और राजस्थान सरकार में ये है कि निःशुल्क ऋण वितरण, कोई ब्याज नहीं लगता है, तो इससे लोगों की माली हालत अच्छी सुधरे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिले और समय पे हम दिलवा सके। कई किसान हैं, उनका एक क्वेश्चन था, उनकी एक समस्या है कि लैंप्स हो चाहे प्राइवेट जो है, जो खाद के जो डीलर हैं, उनका कहना है जब भी वो खाद लेने के लिए जाते हैं तो उनको नैनो यूरिया नाम का जो लिक्विड है वो भी उनको मजबूरी दिया जाता है, उसको लेके क्या कहेंगे? नैनो यूरिया सर ऐसा है कि वो अभी अभी आया है नैनो यूरिया, जी जी, तो अब ये काश्तकारों को तो ध्यान में है नहीं और हमारे संस्थाओं में भी ध्यान में नहीं है कि कौन सा किस तरीके जबरदस्ती दिया जाता है, कैसा है, तो ये जबरदस्ती थोपा जाता है, इससे क्या कि लैंप्स का पैसा बेफालतू का, ये इससे क्या होता है कि लैंप्स की हालत खराब हो जाती है, बेमतलब पैसा फंस जाना और माल बिक्री नहीं होना तो पैसा फंस जाएगा, तो माली हालत खराब हो जाएगी लैंप की। एक बात और है चेयरमैन साहब, क्योंकि फसल बीमा को लेके लोगों की काफी शिकायत रहती है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे और सरकार को क्या ध्यान आकर्षण दिलवाना चाहेंगे? इसके लिए जैसे हम काश्तकारों को लोन उपलब्ध करवाते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, अपने फसल का बीमा योजना लागू है, तो उसमें जब काश्तकार लोन लेता है तो उसमें 3% के हिसाब से पैसा लोगों से काटा जाता है या नामे लिखा जाता है, तो ये पैसा जैसे 3% के हिसाब से जैसे 15,000 लिया, 20,000 रुपया लिया, तो 20,000 का कितना बना उसको वापस उस काश्तकार के नामे लिखा जाता है बीमा, तो ये कई वर्षों से चल रहा है और काश्तकार इन बीमे के नाम से एक एक काश्तकार पे 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपया 5 साल में बढ़ जाता है, तो उसके लिए कोई बीमा की तो नाम बीमा नाम मात्र मिलता भी नहीं, बीमा नाम मात्र मिलता नहीं है, और काश्तकार कर्जे में डूब रहे हैं, या तो सरकार इसको अपने अंडर में ले। हाँ बिल्कुल, ये क्या है कि किसानों को जो बीमा जो लग रहा है इस चीज को देखते हुए सरकार को अपने अंडर लेना पड़ेगा और उसका कोई ना कोई किसानों को समस्या सोल्व करनी पड़ेगी। इसके लिए हम ये भी आवाज़ उठाएंगे सभी मिलकर के, सभी पूरे ज़िले के चेयरमैन मिलकर के आवाज़ उठाएंगे कि जो किसानों के नाम से बीमा लिखा जाता है वो या तो हटाया जाए या किसानों को फायदा दिया जाए, ताकि किसान के जो फिजूल खर्च है वो बचे, तो हाँ किसानों के जो बेफालतू का पैसा लग रहा, दो फालतू का पैसा लग रहा है इसका मतलब नहीं है, और उस पे सरकार का भी भार बढ़ रहा है, जैसे 5,000 रुपया नामे लिखा जाता है, 5,000 का जो ब्याज बनता है तो वो सरकार को तो भुगतना पड़ेगा, और बीमा कंपनी अपना नाम निशान ले नहीं रही है, क्या पता पैसा कहाँ जा रहा है, ये है हमारा। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके क्षेत्र के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया है, किसानों ने, उनके लिए दो शब्द सर? ये मैं मिला के चौथी बार चेयरमैन बना हूँ, चौथी बार बना तो जो हमारा बोर्ड बना तो बोर्ड का तो वोटिंग हुआ, लेकिन चेयरमैन के लिए तो निर्विरोध ही चुना गया हूँ, कोई मेरे सामने उम्मीदवार नहीं हुआ है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे उन्हें। जी सर जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात लैंप्स मुंदरी के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है खातूराम जी, जिनका कहना है सरकार की कोई योजना आती है तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे किसानों को और उसका समाधान है वो त्वरित गति से करवाएंगे। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।